नमस्कार, मैं वरुण कुमार। दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। इस सीरीज का पहला एपिसोड है इंका सभ्यता के बारे में। दक्षिण अमेरिका की सभ्यता को लेकर हमेशा से बातें होती आई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंका सभ्यता के मंदिर शुद्ध सोने के बने हुए थे और इसमें जो मूर्तियां थीं वो भी ठोस सोने की थीं। इसको सोने का शहर भी कहा जाता है। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी इसको दिखाया गया है। हिस्ट्री टीवी ने भी इसको लेकर कई शो बनाए हैं। इतिहास की हर किताब में इंका सभ्यता का जिक्र मिलता है, लेकिन इन सब बातों की सच्चाई आखिर क्या है? इंका सभ्यता को लेकर मैंने कुछ रिसर्च की है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कई रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। करीब 1000 साल पहले जब ये सभ्यता दक्षिण अमेरिका में फल फूल रही थी, तब इसकी ख्याति भी दुनिया में फैलने लगी थी। लोगों को पता चलने लगा था कि कहीं दुनिया के किसी कोने में एक शहर है जो खालिस सोने से बना है। दुनिया के देशों में इस इंका सभ्यता तक पहुंचने की होड़ मच गई थी। इस शहर की तलाश में निकले हजारों लोग कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। लेकिन आखिर इस इंका सभ्यता की कहानी क्या है? माया सभ्यता, एजटेक सभ्यता और इंका सभ्यता बेहद पास में ही पनपी थी। तीनों के बीच का वक्त अलग अलग है, लेकिन ये संभव है कि तीनों सभ्यताओं के बीच आपस में कुछ लिंक हो। इंका सभ्यता पेरू और चिली के आसपास के इलाके में फैली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इंका सभ्यता के लोग कबीला प्रथा में विश्वास करते थे। सभी कबीलों के बीच आपस में व्यापार होता था और सभी कबीले मिलजुल कर सड़कें, नहर और मंदिर आदि बनाते थे। इंका सभ्यता के कई देवता थे, लेकिन सबसे बड़ा और शक्तिशाली देवता था सूर्य। सभी कबीलों का सरदार खुद को सूर्य से जुड़ा हुआ बताता था और सभी कबीले उसके आदेश का पालन करते थे। इंका सभ्यता की एक जगह माचू पिच्चू दुनिया भर में मशहूर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसको इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। इसके पीछे तर्क यह है कि इंका लोगों का कहना था कि वो देवताओं की मदद से ही सब काम कर पाते हैं। देवताओं ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया है और सारा ज्ञान दिया है। उनका कहना था कि देवता अपने यान में बैठकर आते थे और फिर वापस चले जाते थे। देवताओं ने ही उनको किनुआ से लेकर मक्का की खेती सिखाई, जल प्रबंधन सिखाया, सड़कें और इमारतें बनाना सिखाया, और तो और जमीन से सोना निकालना भी देवताओं ने ही सिखाया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इनका सभ्यता भारत की ही सभ्यता का विस्तार थी। ये लोग मंकी गॉड की भी उपासना करते थे। दावा है कि हनुमान ही इनके देवता थे। इनका आदिवासियों को रेड इंडियन भी कहा गया है। ये लोग अमेरिका के मूल निवासी थे और स्पेन के हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। हालांकि आज इनके जो वंशज अमेरिका में रहते हैं वो तमाम मिथकों को झूठा और काल्पनिक बताते हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वज बेहतरीन कारीगर थे और बहुत मेहनती थे, लेकिन ऐसे बहुत से सबूत हैं जो बताते हैं कि भारत के साथ इंका का कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा था। इंका लोग सांपों की भी पूजा किया करते थे। उनके एक देवता की मूर्ति पर सांप लिपटे रहते थे। माना जाता है कि ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। इंका लोगों ने उड़ने वाले सांपों, पंख वाले सांपों और हाथ पैर वाले सांपों के भी चित्र बनाए। इंका सभ्यता बहुत रहस्यमयी थी और चित्रों के माध्यम से ही ये लोग लिखते थे। इनकी कोई लिपि नहीं थी, हालांकि इनके कई शब्द और चित्र संस्कृत से काफी मिलते जुलते हैं। स्पेन के लोग इंका लोगों को ईसाई बना देना चाहते थे और उन्होंने हमला करके इंका सभ्यता को करीब करीब बर्बाद ही कर दिया था। स्पेन के लुटेरों ने इंका के मंदिर तोड़ दिए, सोना लूट लिया और शहर को आग लगा दी। एक कहानी है, सच है कि झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पेन का लुटेरा फ्रांसिस्को पिजारो यहाँ पहुंचा था। यहाँ के राजा ने उसका स्वागत किया और उसकी खातिरदारी की। उसने जब इंका के मंदिर देखे तो वो हैरान हो गया। जमीन पर सोना, दीवार पर सोना, छत पर सोना, इतने सोने की उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी।
इस सोने के प्रति इंका लोग काफी उदासीन थे, लेकिन स्पेन में सोना बहुत मूल्यवान वस्तु था। पिजारो जब वापस जाने लगा तो इंका शासक ने उसको काफी सोना दिया, साथ में माणिक और हीरे भी दिए। पिजारो ने ये सब सामान अपने साथी लुटेरों को दिखाया और इंका के मंदिरों के बारे में भी बताया। स्पेन से फौज लेकर पिजारो इंका सभ्यता के दरवाजे पर पहुंच गया। धर्म परिवर्तन तो एक बहाना था, उसे तो इंका के मंदिरों को लूटना था। इन लोगों ने कई हफ्तों तक इंका राज्य में लूटमार की, वहां के राजा को बंदी बना लिया। राजा को लगा कि अगर वो सोना स्पेन को दे देगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपना सारा सोना पिजारो के हवाले कर दिया, लेकिन क्रूर पिजारो ने इंका राजा को मार दिया। ये सारा सोना लेकर स्पेन की फौज जब लौटने लगी, तभी वहां एक ज्वालामुखी फट पड़ा और सारी सेना सोने के साथ उस लावे में बह गई। कहते हैं कि इंका लोग इंसानों की बलि दिया करते थे, बच्चियों की बलि दिया करते थे और लोगों के दिल निकाल लिया करते थे। ये भी कहा जाता है कि इंका लोग ममी बनाया करते थे। पेरू से हजारों की संख्या में ममी भी मिली हैं, जो उस वक्त की कहानी कहती हैं। इंका सभ्यता से जुड़ी हर बात अपने आप में एक रहस्य है। उनके शहर हैरान कर देने वाले हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इन जगहों को इंसानों ने बनाया था। वाकई ऐसा ही लगता है जैसे आसमान से उतरकर देवताओं ने खुद इन शहरों का निर्माण किया था। इंका सभ्यता के बेहतरीन पिरामिड, बेमिसाल मंदिर और नायाब कारीगरी जो भी देखता है हैरान हो जाता है। सूरज और चांद यदि बोल सकते तो शायद उस वक्त का असली सच बता देते। नदियां अगर बातें कर सकती तो शायद बताती कि इनका सभ्यता के साथ आखिर हुआ क्या था। इतने सालों बाद भी जिस सभ्यता के खंडहर इतने भव्य हैं, उस जमाने में इनकी चमक भला कैसी रही होगी। सैकड़ों सालों के बाद भी जिस सभ्यता के वैभव के चर्चे दुनिया भर में होते हैं, उस जमाने में भला उस सभ्यता का जलवा कैसा रहा होगा। सच जानने के लिए तो इंसान को टाइम मशीन बनानी पड़ेगी, जिसमें बैठकर वो वक्त में पीछे जा सके और माचू पिच्चू से लेकर इनका सभ्यता के रहस्यों तक को समझ सके। आज तो हम केवल उन्हीं बातों को सच मानते हैं जो पुराने इतिहासकारों ने लिखी हैं, लेकिन जो लिखा है केवल वही सच नहीं होता। सच वो भी होता है जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा गया। क्या पता इनका सभ्यता से जुड़े कुछ और राज कभी सामने आए। क्या पता वाकई इनका सभ्यता का कोई एलियन कनेक्शन निकल आए, और क्या पता इनका सभ्यता के प्राचीन भारत के साथ भी संबंध सिद्ध हो जाए। दोस्तों, ये कहानी थी इनका सभ्यता की। अगले एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एजटेक सभ्यता की। इस सभ्यता के राज और भी ज्यादा जटिल हैं और कहानी बेहद पेचीदा। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट ही मेरी असली ताकत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।